अंज न्यूज मीडिया के ग्लोबल लाइव शो में आपका स्वागत है। अंज न्यूज मीडिया के ग्लोबल लाइव शो में आज परिचर्चा वजीरगंज नगर पंचायत पर। वजीरगंज नगर पंचायत पर चर्चा के लिए आज स्टूडियो में पधारे हैं वजीरगंज नगर पंचायत पर चर्चा के लिए आज स्टूडियो में पधारे हैं मेहमान। आइए उन मेहमानों से एक परिचय करवा देते हैं। क्षेत्र के प्रमोद कुमार जी, मुन्ना कुमार जी, मनोज कुमार जी और संतोष कुमार जी। स्टूडियो में उपस्थित मेहमानों से आज परिचर्चा करते हैं और परिचर्चा नगर पंचायत वजीरगंज पे है, तो आइए परिचर्चा को शुरू करते हैं। अंज न्यूज मीडिया के ग्लोबल लाइव शो में आज पहुंचे अतिथियों का बहुत बहुत स्वागत है और आज अंज न्यूज मीडिया के स्टूडियो में हम लोग चर्चा कर रहे हैं वजीरगंज नगर पंचायत का और इस नगर पंचायत के लिए यहाँ पे चार मेहमान बैठे हैं। और चारों मेहमान से बारी बारी से हम लोग वजीरगंज नगर पंचायत पे चर्चा करेंगे, तो आइए आज पहले चर्चा में हम लेते हैं यहाँ पे उपस्थित हैं प्रमोद कुमार जी। और प्रमोद कुमार जी से हम जानते हैं कि वजीरगंज नगर पंचायत बना है और ये नया नगर पंचायत है, इसका चुनाव भी आने वाले हैं, तो आप इस नगर पंचायत को किस तरह से आप देखते हैं? नगर पंचायत वजीरगंज के सबसे सुपर और डुपर कैंडिडेट को ही आना चाहिए और हमारे माने में जिस बाजार के सहयोगी से कैंडिडेट खड़ा किया जाए वो हर हालत में जीतने के कगार पर हो। इस वजीरगंज नगर पंचायत की नई सभा है और जिस सभा में करीब करीब हमारे कैंडिडेट जितने भी आए सबसे यही हो रिक्वेस्ट कि नगर पंचायत का विकास किस तरह से हो, विकास की जो पद्धति हो अपने आप में शुद्ध हो, किसी भी तरह से उसमें भ्रष्टाचारी नहीं आनी चाहिए। और इस मुद्दे पर सबसे बड़ा बहस होगी कि हम सारे कैंडिडेट वैसे ही को चुने जो सबसे कम से कम विकास की पद्धति को बरकरार रखे। अच्छा, अभी एक बताएंगे, जो भी क्षेत्र का बंटवारा हुआ हमारा नगर पंचायत का, क्या आप उससे कितना संतुष्ट हैं आप? लेकिन बंटवारा जो हुआ वो सही सलामत तो नहीं हुआ, कहीं से भी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ त्रुटि रह गई, लेकिन त्रुटि को सुधारने के लिए अब समय आने के बाद ही ना कोई उपाय होगा और आने वाला समय में जब धीरे धीरे प्रोसेस बढ़ेगा तो सुधार हो जाएगा। कुछ त्रुटि रह गई है, त्रुटि रह गई है इसीलिए कि हर वार्ड का करीब करीब कैंडिडेट क्लियरेंस नहीं हो पाया, जितना भी सदस्य है वार्ड में वो करीब करीब नहीं क्लियर हो पाया, लेकिन जब तत्काल नई व्यवस्था थी तो नई व्यवस्था में सुधार होगा। सुधार करना तो प्रशासन का काम है भाई, तो करवे करेगा। बिल्कुल, ये सुधार का काम प्रशासन का है। तो बगल में हमारे हम लोग अब उनसे चर्चा लेते हैं मनोज कुमार जी से। तो मनोज कुमार जी, आप युवा हैं, युवा के नजरिए से आप वजीरगंज नगर पंचायत को कहाँ देखते हैं? हम मनोज कुमार वजीरगंज नगर पंचायत को सुदृढ़ समृद्ध बनाना चाहते हैं और हम लोग का जो भी कैंडिडेट वजीरगंज के होंगे उनको उनको जो है जो सुसज्जित द्वारा एकदम क्लीन के तरह काम करे और पूरा एकदम कहने का मतलब है कि कोई भी काम हो एक सही पायदान पर जाए। क्या आप जब कभी सोचे थे, जब आप संघर्ष कर रहे थे तो वजीरगंज नगर पंचायत का सपना देखे थे, आज वो नगर पंचायत आपके सामने है, तो अब इसके डेवलपमेंट से क्षेत्र का क्या देखते हैं आप? अभी जिस समय हम लोग संघर्ष किए, बहुत से आंदोलन किए, हम सामाजिक कार्यकर्ता भी रहे और हम लोग ग्रिड का भी सोचे, बहुत सा कार्यक्रम किए, आंदोलन भी किए, आज हमारे पास ग्रिड है और उसके बाद में जो है जो नया जो हम लोग का जो मिला है पंचायत का, तो हम लोग को लगता है कि वैसा कैंडिडेट खड़ा हो आवे मैदान में जो सुसज्जित तरीके से पूर्ण रूपेण से काम करे। चर्चा को आगे बढ़ाते हुए अब हम पहुँचे हैं यहाँ पे मुन्ना कुमार जी के पास, जो समाज सेवी हैं और बहुत मजे हुए खिलाड़ी हैं जिन्हें कि
राजनीति में भी माना जाता है, तो उनसे हम जानते हैं कि वजीरगंज नगर पंचायत जो सपना था वो सपना आज हम लोग के पास साकार होकर के आ चुका है। तो इस क्षेत्र को आप कहाँ देखते हैं, इसका चुनाव भी आने वाला है, तो इसको आप किस नजरिए से देखते हैं चुनाव को और ये नगर पंचायत के इलाके को? नगर पंचायत के जो क्षेत्र है उसमें पंचायत स्तर पर जो पहले जो है विकास के काम हुआ है उससे अब ज़्यादा विकास की उम्मीद करते हैं पंचायत नगर पंचायत के द्वारा। और इसमें जो है जात की राजनीति नहीं होनी चाहिए, व्यक्ति की राजनीति होनी चाहिए जिनसे विकास की काम हो। और हमारे नज़र में तो बहुत लोग हैं प्रत्याशी बनने वाले, लेकिन एकमात्र संतोष कुमार एक बजीरगंज के जो है संतोषी माता मंदिर के सामने के रहने वाले, हमारे नज़र में वो बहुत बेहतर रहेंगे। और उनको हम लोग कहेंगे तहे दिल से उनको जय जीत हम लोग करवाने में मदद करें। अब संतोष कुमार जी की बात कर रहे हैं जो आपके भावी उम्मीदवार होने वाले हैं, तो आइए आपको मैं परिचय करा देता हूँ। संतोष कुमार जी, आपकी जो बातें आ रही है खोल करके वो डेवलपमेंट के साथ बातें आ रही है, उम्मीद भी है आप पे, और ये भी उम्मीद है कि आप क्षेत्र में आएंगे और लोगों की जो उम्मीद है उस उम्मीद पे खरे उतरेंगे। तो वजीरगंज नगर पंचायत बना है, उस क्षेत्र को आप किस तरह से प्राथमिकताओं के साथ आएंगे आप, क्योंकि आप क्षेत्र में जनसंपर्क भी कर रहे हैं, तो वहाँ भी क्या रुझान है जी बताएं। सबसे पहले तो मैं सभी वजीरगंज वासियों का हार्दिक दिल से प्रणाम करता हूँ। मैं वजीरगंज का बेटा हूँ, आप सबों के बीच से ही आया हूँ, और ये भी जान लीजिए कि मैंने बहुत संघर्ष किया है और आगे भी संघर्ष करके इस क्षेत्र की विकास करूँगा। और इसको कैसे विकास हो पूरे क्षेत्र का, इसके लिए मैं प्रतिबद्ध हूँ। मैं कोई भी लोभ लालच के बिना किसी भी प्रकार के जात पात की राजनीति नहीं करूँगा और सभी को समान रूप से देखूँगा। अगर मैं जीत कर आता हूँ तो जो भी जनता की अपेक्षाएं मुझसे होगी मैं उसे पूरी तरह से पूरा करने का प्रयास करूँगा। नगर पंचायत का भी ये क्षेत्र बटा है जी, तो आप यहाँ आप देखे जा रहे हैं यहाँ के भावी उम्मीदवार के रूप में, तो नगर पंचायत को क्षेत्र का जो बंटवारा है वो बंटवारे को आप किस तरह से देखते हैं, उसमें कौन कौन सा जो पंचायत आए हैं उसमें? जी, दो पंचायत जो आया है और बंटवारा जो हुआ है वो अभी तो दो पंचायत को जोड़ करके नगर पंचायत बनाया गया है, और आगे जब इसका चुनाव हो जाएगा तो फिर जनता से विचार करके आपस में कमेटी बना करके वो सब तय होगा कि क्या क्या किस तरह से और विस्तार होना चाहिए था और आगे होगा, उस पर हम लोग कमेटी बना करके तय करेंगे। बिल्कुल, तो अभी नगर पंचायत में दो पंचायत आए हैं जी, दखिनगार और पुनामा। तो ये दोनों जो इलाका है, इस दोनों इलाके का आप कवरेज किस तरह से देख रहे हैं, जो जनसंपर्क में जा रहे हैं तो वहाँ क्या रुझान मिल रहे हैं आपको? देखिए, ये जो क्योंकि आप भावी उम्मीदवार के रूप में जा रहे हैं वहाँ पे, हम लोग जो जा रहे हैं जहाँ तो बहुत ही खुशी मिल रही है, आदमी हम लोग को बहुत हमको समर्थन कर रहे हैं और जिससे मेरा भी बहुत उम्मीद बढ़ा है। और आगे जो हमारा जो शहरी क्षेत्र में आता है जो बाजार है, बाजार में लाइट सोलर लाइट वगैरह सब लगा करके और इसको चकाचक करेंगे, और भी जो लोगों की समस्याएं होगी, सफाई की समस्या होगी और भी जो समस्याएं होगी उसको एक कमेटी बना करके उसको दूर करने का प्रयास किया जाएगा और दूर करेंगे। और भी बाजार जो ग्रामीण क्षेत्र कुछ आता है वहाँ भी जो भी समस्याएं होंगी उसको भी, रोड की समस्या हो, नाली की समस्या हो, गरीबों की रहने की समस्या हो, उसको भी हम लोग दूर करेंगे। बिल्कुल, तो ये संतोष जी हैं और ये भावी उम्मीदवार हैं वजीरगंज से, नगर पंचायत से और वजीरगंज मुख्यालय का हैं, तो बिल्कुल ये जनहितार्थ बात कर रहे हैं कि जनहित में जो काम होंगे उस काम को लेकर के हम उस मुद्दे को लेकर के और क्षेत्र में आएंगे और हम लोगों का जो उम्मीद होगा उसी पूरा करेंगे जी। तो एक बात थी यहाँ पर कि आप जो यहाँ का जो रुझान है
लोगों के रुझान को आप किस तरह से आप आंक रहे हैं यदि इलाके में जा रहे हैं तो? जो भी आदमी जिनसे भी मैं मिलने जाता हूँ या जिनसे भी मैं बात करता हूँ और भी, तो हमको एक बहुत उम्मीद से देखते हैं कि ये वजीरगंज का बेटा है और हमारे लिए ये कुछ करेगा, तो इससे मुझे बहुत खुशी होती है। जो हमसे उम्मीद है, जो आदमी हमसे उम्मीद कर रहे हैं, उसको भी मैं पूरा करने के लिए मैं एकदम तैयार रहूँगा और उससे, और जनता मेरे साथ है और जीत होगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। बिल्कुल, तो ये संतोष जी भाव उम्मीदवार हैं और उम्मीदवार के नाते इनका जो है जो लक्ष्य है वो लक्ष्य बिल्कुल गहरा है और बहुत पकड़ में लक्ष्य है कि ये लक्ष्य पे खड़े उतरेंगे, ऐसी इनकी भावना और है और सपना भी है। तो इस चर्चा को हम आगे बढ़ाते हुए हम प्रमोद जी के पास पहुंचते हैं। प्रमोद जी, आप इस चर्चा में आप शामिल हैं, आपका अगला हम वक्तव्य लेना चाहेंगे कि ये नगर पंचायत में युवा, तो युवाओं का यहाँ पे आना और क्षेत्र में जाना कितना आपको भा रहा है कि बहुत सारे भावी उम्मीदवार हैं लेकिन युवाओं का खास करके आना कितना आपको लगता है कि अच्छा होगा? वजीरगंज नगर पंचायत का पहला चुनाव है और चुनाव में अगर कोई युवा भाग लेता है तो सबसे पहले इस पंचायत के युवा वर्ग को ये सहयोग करना चाहिए कि उस युवा वर्ग के अध्यक्ष को सर्वसम्मति से सहयोग करना चाहिए, क्योंकि विकास की पद्धति उसके पास होती है, नया सर्कुलेशन होता है, नया ब्लड होता है, और इस उद्देश्य और इस मुद्दा पर हर आदमी को सहयोग करना चाहिए क्योंकि विकास की पद्धति वहीं से शुरू होती है। और अगर विकास होता है तो विकास के प्रति जो हमारे कैंडिडेट हैं या अध्यक्ष जो बनने जा रहे हैं वो वचनबद्ध है, प्रतिबद्ध है, और इनकी प्रतिबद्धता को देखते हुए हर आदमी का ये उद्देश्य होना चाहिए कि न किसी कैंडिडेट को ऐसा दिया जाए जो समाज विकास का काम कर सके। मुन्ना जी अभी चर्चा में शामिल हैं, तो अभी मुन्ना जी बता रहे थे कि युवाओं का भी दौर चल रहा है वजीरगंज में, तो क्या लगता है कि वजीरगंज में युवाओं का वक्त आने वाला है? ये सोच तो युवा वर्ग को सबसे पहले होनी चाहिए, इसीलिए कि युवा वर्ग ही है जो कि उसका कर्णधार है। हर उम्र दराज आदमी तो गुजर जाएंगे लेकिन जो युवा वर्ग का सोच होगा वो आगे का सोच होगा। किसी भी कीमत पर विकास की ही प्रक्रिया उनके पास होगी, चाहे जैसे विकास हो, कुछ शरीर से हो, कुछ मानसिक हो, कुछ आर्थिक हो, शारीरिक लगाकर हर हालत में विकास का ही सोचेगा। और जो कैंडिडेट ऐसा हो जो अपने वचनबद्ध पर हो और प्रतिबद्ध हो, उसके लिए तो कुछ सोच नहीं हो सकता, जनता को सोचना चाहिए इसके। एक बड़ी बात और भी मुन्ना जी यहाँ पे लेके आए हैं कि ये वजीरगंज बाजार का ज्यादातर इलाका है, तो यहाँ पे जो अभी बोल रहे थे कि ये जाति से ऊपर उठ करके इसमें जो है वर्क करना पड़ेगा और अपने लक्ष्य पे आना पड़ेगा, तो यहाँ पे आप कैसे दूर करेंगे इस भ्रांति को? देखिए, सबसे बड़ा सोच तो है कि इस वजीरगंज नगर पंचायत के अंतर्गत हम सब जाति हैं, चाहे वो किसी का हो, अगड़ी हो, पिछड़ी हो या दलित हो, सबका सोच एक ही है कि किसी तरह विकास हो। लेकिन विकास की प्रक्रिया में जो दलाल लगते हैं ना, उसके चलते ये विकास बंद हो जाता है। इसलिए हम अध्यक्ष जो भी बने उसके प्रति यही सोच होनी चाहिए कि हम दलालों से दूर रहें, और दलाल से दूर रहकर ही विकास किया जा सकता है। और इसमें हमको लगता है कि जो भी कैंडिडेट हो इसके प्रति वचनबद्ध हो कि दलाली नहीं, जो भी काम हो फेस टू फेस, योजनाओं में पारदर्शिता होनी चाहिए और योजनाओं को हर हालत में लागू होना चाहिए, जो जिसके लिए जरूरत है उसी को होना चाहिए। क्या लगता है कि यहाँ पे अब जो ये चुनाव होने वाली, पहले चुनाव होने वाले, तो इसमें संघर्ष ज्यादा होगा, चुनौतियां ज्यादा होगी, ऐसा लगता है कि? देखिए, संघर्ष तो होगा ही, इसलिए कि पहला चुनाव है और बहुत से लोग खाने वाले हैं और बहुत से भ्रष्टाचारी भी हैं और बहुत से शुद्ध भी हैं। लेकिन अब जनता को ये चूज करना है कि हम शुद्ध चुने कि अशुद्ध चुने। अगर जनता का सोच है कि हम शुद्धता की ओर जाएं, तो जनता का अपना सोच है और उसको हर हालत में सोचना चाहिए कि उस कैंडिडेट को लावे जो कम से कम शुद्ध हो, अशुद्धता के प्रति ध्यान थोड़ा सा। बाजार में कई तरह की सुर्खियां चल रही हैं, अभी हम लोग नगर पंचायत की कारण बात कर रहे हैं, वजीरगंज नगर पंचायत की, तो पहले है कि कुछ जो रह चुके हैं यहाँ पे जनप्रतिनिधि वो भी भावी उम्मीदवार में शामिल हैं और कुछ नए जो अभी आने वाले हैं उनका भी तटस्था चल रही है, दोनों में लोग सामंजस्य बैठाना अभी तक शुरू कर दिए हैं क्योंकि नगर पंचायत का चुनाव बहुत जल्दी होने वाला है, तो ये आप क्या देखते हैं जो पहले से थे और जो अभी नया उभर करके आएंगे वो दोनों में क्या फर्क आप देखेंगे? देखिए, सबसे पहले कि जो भी पुराना कैंडिडेट थे उनके क्रियाकलाप और कार्य को देख चुका है लोग, उनके अनुसार अगर वो कार्य सही नजर आता है जनमत को,
तब तो उनके साथ जा सकते हैं, लेकिन कोई भी ऐसा कैंडिडेट नहीं है जिनका की क्रियाकलाप सही हो। इसलिए हर हालत में जनता को ये सोच होना चाहिए कि एकदम बिल्कुल नए कैंडिडेट को लावे जो हमारा हो, और हमारा ही नहीं हमारे समूचे समाज का हो, जो हर विकल्प से समाज का विकास करे। बिल्कुल, तो हर समाज का जो डेवलपमेंट कर सके वैसा ही कैंडिडेट को यहाँ पे चुना जाएगा। ये अभी वक्तव्य आप सुन रहे थे प्रमोद कुमार जी कहते, इनके बगल ये मनोज कुमार जी, बात चल रही है कि पहले से जो जनप्रतिनिधि यहाँ हैं और अभी नया प्रतिनिधि जो आने वाले हैं वो भी कदम रखेंगे इस नगर पंचायत के लिए, तो आप किस तरह से देखते हैं ये? आप युवा हैं, युवा का नजरिया आप बताइए। हम जो नए प्रतिनिधि जो आने वाले हैं वो क्या करेंगे और कैसे करेंगे? सबसे पहले तो कमेटी जब तक नहीं बनेगी, जो प्रतिनिधि आवेंगे कमेटी बनावें, और कमेटी बनाने के बाद जो है जो वेरिफिकेशन करें, कोई भी काम करना है अपना ढंग से करें, मिलजुल करके करें। अच्छा एक चीज़ बताइए, युवाओं के अभी युवा पीढ़ी आते हैं नगर पंचायत से, तो नगर पंचायत के जो युवा प्रत्याशी हैं उसमें युवाओं का कितना रुझान होगा, युवाओं का झुकाव कितना मिलेगा, क्योंकि पुराने को तो दो देख चुके हैं। युवा पीढ़ी नगर पंचायत से आते हैं तो हम लोग का फुल सपोर्ट रहेगा, और जितने भी युवा हैं जनसंपर्क के द्वारा एकत्रीकरण किया जाएगा और ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश किया जाएगा कि युवा एक वर्ग में आ करके एक मंच के नीचे आ करके सहयोग प्रदान करें। अच्छा युवाओं में कितना आप अभी नगर पंचायत बना है, कितना आप उत्साह देखते हैं, उमंग देखते हैं युवाओं में और हमारे जो बुजुर्ग पीढ़ी है उसमें? युवाओं में अभी तो हम बातचीत चल रहा था तो मैंने जगह जगह उठना बैठना भी होता है, सामाजिक कार्यकर्ता भी है, युवा में चर्चा के विषय चला हुआ है कि नगर पंचायत नया बना है इसमें जितना ज़्यादा से ज़्यादा सहयोग किया जाए। तो क्या वो चाहते हैं युवा, वो चाहते हैं या क्या सुर्खियों में है? हाँ, उन लोग से बात हो रही थी तो बता रहे थे कि ये युवा आते हैं यदि तो हम लोग का पूरा पूर्ण सहयोग रहेगा, और ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग मेहनत करेंगे और जो भी काम करेंगे एकदम प्रफुल्लित करेंगे, निसंकोच से करेंगे। अच्छा मान लिया आपका बाजार का कोई युवा कैंडिडेट आ रहे हैं तो उस पर क्या रुझान थी उनकी? युवा कैंडिडेट आ रहे हैं तो हम लोग का यही रुझान है कि ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत कर करके उसको जिताने का काम करें। बिल्कुल, तो ये युवाओं की आप सुन रहे थे कि बाहर में जो सुर्खियां चल रही है ये युवाओं की मांग चल रही है कि युवा, चूंकि ये वजीरगंज नगर पंचायत नया बना है तो यहाँ से युवा आए, चूंकि पहले का जो प्रतिनिधि है उन्हें देखा जा चुका है, आपका यही सुर्खियाँ चल रही है। जी। चौक चौराहों पर क्या सुन रहे थे आप? चौक चौराहों पर जैसे पान का गुमटी हो गया, चाहे मोड़ पर पास हो गया, कहीं सुनते हैं तो लगता है कि नया युवा पीढ़ी नया जो करेगा वो जो पहले से प्रतिनिधित्व कर रहे थे तो उनसे लोग खुश नहीं है, लेकिन अब के युवा पीढ़ी डोर टू डोर संपर्क कर रहे हैं तो उनसे लगता है कि नया उम्मीद कुछ जागी है, और हमको जैसा लगता है कि धीरे धीरे उम्मीद बरकरार होकर के एकदम एकमुश्त होकर के बुलंदी की ओर जाएगा। एक बात तो हम लोग कर रहे थे अभी, हम सभी सुर्खियां ले लें, महिलाओं में भी आप गए हैं तो महिलाओं में आप क्या चर्चा देखते हैं, महिलाओं क्या उनका रुझान? महिला में महिला मंडली चलती है, महिला मंडल भी है तो हम लोग महिला में भी चर्चा का विषय बना हुआ है। अभी अभी जो है जो मंदिर वगैरह में जो है सिर्फ चर्चा होती है, चाहे गायत्री परिवार का चर्चा होती है तो लोग को दिमाग में बैठे महिला मंडल का भी लोग दिमाग में है कि नगर पंचायत बना है उसमें कैसे कैसे क्या होना है, उसके लिए जो भी उन लोग की उन लोग भी चर्चा उन लोग के पास भी चर्चा का विषय बना हुआ है। बिल्कुल, तो ये सुर्खियां हैं बाहर की सुर्खियां है, ये मनोज जी भ्रमण करते हैं अपने इलाके में तो ये पाए हैं, महिलाओं में भी चर्चा हो रही है, पुरुषों में भी चर्चा हो रही है, युवाओं की भी चर्चा हो रही है, लेकिन युवाओं पे जोर ज्यादा दिया जा रहा है जी, यही आपका कहना है? जी। युवा पीढ़ी जो भी करेगा युवा पीढ़ी आगे तन मन धन से आगे बढ़ेगा और करेगा। चर्चे की कड़े में शामिल हैं मुन्ना जी, तो मुन्ना जी से हम चाहेंगे कि आप क्षेत्र में बैठते उठते हैं तो क्या सुर्खियां आप आते हैं? यहाँ तो 10-12 कैंडिडेट के बारे में चर्चा का विषय बना हुआ है कि प्रत्याशी लोग रहेंगे। अब हम लोगों को जात पात की राजनीति से उठ करके सर्वसम्मति से किसी एक को चुनना है, और उसमें जो है ऐसा आदमी को चुनना है
जिससे जो हमारे उम्मीद पे खरे उतरे, और उसमें मेरे नज़र में एकमात्र प्रत्याशी जो है संतोष कुमार ही हम हैं, बाजार के रहने वाले। हमारे नज़र में है कि देश की वजीरगंज नगर का विकास जो है बहुत उन लोगों के बनिस्पत बहुत ज़्यादा स्पीड में इनके द्वारा करेगा विकास। ये मुन्ना जी हैं, इनका रुझान है कि वजीरगंज बाजार है और बाजार में युवाओं की अच्छी पकड़ है। युवाओं में भी खास करके एक भावी उम्मीदवार संतोष कुमार हैं, जिनको इन्होंने फोर्स कर रहे हैं कि युवा हैं तो संतोष कुमार उन्हें लाना चाहिए। चर्चा का विषय बना हुआ, चर्चा का विषय बने हुए हर जगह हर मोड़ पे है। बिल्कुल, और लोग को उम्मीद भी है। हर जगह यही जवाब मिलता है, सुनने को मिलता है कि हाँ संतोष को वोट दिया जा सकता है, यही निकाल सकता है भी सीट, इसी पर अच्छा भी रहेगा। और बनिस्पत प्रत्याशियों के बनिस्पत इन पर सबका विचार एक मत हो रहा है। बिल्कुल, तो ये कह रहे हैं कि भावी उम्मीदवार और युवा उम्मीदवार हैं संतोष कुमार, जिनके प्रति लोगों की रुझान बढ़ी है, और यही वजह है कि भावी युवा उम्मीदवार संतोष कुमार जी क्षेत्र में सक्रिय बने हुए हैं। तो आइए उन सक्रिय उम्मीदवार से आपको हम मिलाते हैं। आप देख रहे हैं ये संतोष कुमार जी हैं, भावी उम्मीदवार, युवा पीढ़ी का उम्मीदवार ये हैं और युवा उम्मीदवार होंगे भावी। तो उनसे हम बात करते हैं कि संतोष जी, आजकल आपकी चर्चा चौक चौराहों पे चल रही है, जैसा कि सुर्खियों में सामने आ रहा है, और आप यहाँ चर्चा में शामिल हैं, तो आप एक आप क्षेत्र में हैं, सक्रिय हैं, तो आप क्या देख रहे हैं उस रुझान में आप जो आ रहे हैं? मैं अपना विचार लोगों को बता रहा हूँ, अपने पंचायत नगर पंचायत में रोजगार के अवसर पैदा करूँगा, योजनाओं में पारदर्शिता होगी, जो योग्य हैं उनको ही योजनाओं का लाभ दिया जाएगा, बिचौलियों से अपने पंचायत स्तरीय प्रतिनिधि को दूर रखा जाएगा, जिससे कि सही विकास हो, और इसी यही मेरा सोच है। आगे भी जो भी कार्य को किया जाएगा उसमें सभी की भागीदारी होगी, हम ऐसा नहीं कि हम अकेले बन जीत गए तो अकेले फैसला ले लेंगे। जो भी यहाँ के प्रबुद्ध लोग हैं, जो भी यहाँ के अच्छे लोग हैं, उनसे संपर्क में रहेंगे, उनकी कमेटी बना करके, और सारी योजनाओं को उनके द्वारा ही किया जाएगा। तो अभी तो आप युवा हैं और युवाओं की यहाँ मांग चल रही है और आपकी युवाओं की चर्चाएं चल रही है, अपनी इतनी आप ये क्षेत्र में भ्रमण कर रहे हैं कि आपकी सुर्खियां चौक चौराहों पर आ गई है। तो आप जो कैंडिडेट होने के नाते आप जो घूम रहे हैं क्षेत्र में, तो महिलाओं, बुजुर्गों और युवाओं का ये तीनों तरह का समावेश किस तरह से देख रहे हैं? जी, हमसे सभी लोग, चाहे वो युवा हो या बुजुर्ग हो, महिलाएं हो, सभी को हमसे उम्मीद है कि ये आएगा तो हमारे लिए, हमारे क्षेत्र के लिए कुछ न कुछ जरूर करेगा। और भी प्रत्याशी हैं, वो उनके पास जा रहे हैं, तो उन सब में हमको लोग समझ रहे हैं कि बेहतर हैं, और मैं उनकी उम्मीदों पर पूरा अपना ये वादा करता हूँ कि उनकी उम्मीदों पर मैं पूरा खरा उतरूँगा, और कोई भी ऐसा काम नहीं होगा जो कि आदमी और यहाँ के नहीं चाहते हों कि ये काम नहीं हो, और सभी से समंजस बैठा कर ही कोई भी काम किया जाएगा। तो ये देखिए, संतोष कुमार जी हैं जो कि बोल रहे हैं कि सामंजस्य के साथ हम चल रहे हैं और सभी महिला पुरुष सभी का आशीर्वाद लिए हम चल रहे हैं, समझे, बस उनका आशीर्वाद मिलेगा तो मुझे उसी पे भरोसा है जीत की, यही इनका मानना है। इस मानते हुए कड़ी को हम यहाँ पर विराम देना चाहेंगे, लेकिन इससे पहले एक हम बात ले लेंगे। यहाँ पर प्रमोद कुमार जी हैं कि आप नज़रिए को आप जो बदलते हुए देखते हैं तो आप कहाँ पाते हैं? वजीरगंज नगर पंचायत का जो है हमारे भावी कैंडिडेट जो संतोष बाबू बोले कि हम अपने स्तर से ही काम करेंगे और सारे को लेकर करेंगे, ये उनकी सबसे बड़ी सोच है, और सोच पर खरा उतरना अगर इनका उद्देश्य है तो हर जनमत के आदमी को चाहिए, चाहे वो महिला हो, वृद्ध हो, प्रबुद्ध हो, या जो भी हो, कैंडिडेट को सपोर्ट करना चाहिए, और चाहे जिस तरह से भी हो इनको हर हालत में बहुमत देना चाहिए। बिल्कुल, इनके विचार में तो बहुत
साफ और स्वच्छता नजर आती है, ऐसे तो राम जाने उसका आगे क्या होगा, लेकिन लोग उम्मीद पर ही कायम है दुनिया। तो राम जाने क्या होगा, युवा प्रत्याशी हैं और क्षेत्र में हैं, सक्रिय हैं संतोष कुमार जी जो कि भावी उम्मीदवार हैं, और ये भी चाहते हैं कि क्षेत्र को हमें चकाचक बनाना है, और उसी में आपके चर्चा में आता है कि राम जाने क्या होगा। तो इस चर्चा को आज हम राम पर ही छोड़ देते हैं कि राम जाने क्या होगा। तो इस चर्चा को आज यहीं पे हम लोग विराम देते हैं, इस उम्मीद के साथ कि अगर अगर आज जी राम शब्द निकला है तो राम एक ऐसा चीज है हर चीज की सफलता का द्योतक, और शायद यही शब्द निकलने का मतलब है कि हमारे युवा पीढ़ी का सहयोग जरूर होगा, और अगर युवा पीढ़ी का सहयोग हुआ तो राम के सहारे बेड़ा पार हो जाएगा। तो इसी उम्मीद और भरोसे के साथ इस चर्चा को यहीं समापन देते हैं। तो इसी के साथ इस परिचर्चा को आज यहीं संपन्न करते हैं। आप सभी मेहमानों को बहुत बहुत धन्यवाद।